So hello everyone, I hope you all are doing great. My name is Pankaj Dagar and I am your GPAT mentor at An Academy. जैसे कि आप लोग जानते हैं GPAT एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, 22 मई को एग्ज़ाम होने वाला है. फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम जो होगा वो इस बार दो शिफ्ट में होने वाला है. पहली शिफ्ट जो होगी वो 9 बजे से 12 बजे तक होगी, दूसरी शिफ्ट जो होगी वो 2 बजे से 5 बजे तक होगी. इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी जो बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो हैं कि अब इस रिविज़न को सिस्टमाइज कैसे किया जाए, कैसे हम इतना वास्ट सिलेबस को रिवाइज कर लें इस मिनिमम टाइम के अंदर. सबसे पहली चीज़ मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरी मेजर और माइनर वाली जो थ्योरी है उसको सबसे पहले अपनाइए. आप लोग सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स. सबसे पहला काम आपका ये है, सो दैट कि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें. सबसे पहली प्रायोरिटी आपको मेजर सब्जेक्ट्स को देनी है, आखिर में आपको माइनर सब्जेक्ट्स को देनी है. आप लोग देख सकते हैं मेरी बहुत सारे लेक्चर्स हैं मेजर और माइनर थ्योरी के ऊपर कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेजर में आते हैं कौन से माइनर में आते हैं. उसके बाद दूसरा चीज़ है वो है जो बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बच्चों के सेशनल्स चल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आ रहा है. अभी टाइम को मैनेज कैसे करेंगे, टाइम को आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि आपको कॉलेज को ऑब्वियसली टाइम देना पड़ेगा, कॉलेज आपको बुलाएगा, एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा आप लोगों को, तो उसमें जो आपको इन बिटवीन जो टाइम मिलता है उसको वेस्ट ना करें. अपने छोटे छोटे जो आपने नोट्स बनाए होंगे अभी तक, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे या कहीं से मिले होंगे आपको नोट्स, उन नोट्स को अपने साथ हमेशा कैरी कीजिए. उन नोट्स को पढ़िए, पढ़ते रहिए. टेबल्स जो हैं आपके पास उन टेबल्स को पढ़ते रहिए. MCQs सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है MCQs सॉल्व करने के लिए. तो इसी चीज़ के लिए, ताकि आपका रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से हो और आप एक कॉन्फिडेंस लेकर जाएं एग्ज़ाम में, हम लोग लेकर आ रहे हैं एक स्मार्ट रिवीजन बैच SRB GPAT एस्पायरेंट्स के लिए, जो कि बचा हुआ टाइम है उसमें MCQ बेस्ड रिवीजन के लिए. क्या होगा इसमें MCQ बेस्ड रिवीजन में, हम लोग क्या कराएंगे कि एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे, सब्जेक्ट वाइज, और उसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, प्लस क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मॉक टेस्ट की फॉर्म में, हम लोग हर क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे. उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए देंगे, साथ में उन्हीं तुरंत के तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको देंगे लाइव क्लास के अंदर, ताकि आप एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले पाएं. आपका जो रिवीजन है वो एक क्विक रिवीजन हो जाए, आपको MCQs भी सॉल्व हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे और आपकी तैयारी जो है वो एक लेवल ऊपर चली जाएगी. प्लस ये चीज़ देगी आपको कॉन्फिडेंस, एग्जाम में जाने के लिए. इसमें क्या क्या मिलेगा बैच में आपको, इस बैच में आपको मिलेगा MCQ बेस्ड रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया. हर क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, प्लस और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चंस बनने की वो क्वेश्चंस डिस्कस होंगे. याद रखिएगा इस बार पेपर जो है दो शिफ्ट में होने वाला है, मतलब कि हर टॉपिक जो पूछा गया था उस एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं हर एक टॉपिक से. क्योंकि पेपर जो होंगे वो शिफ्ट 1 के लिए जो बनेगा वो पेपर अलग बनेगा, और शिफ्ट 2 के लिए जो होगा वो पेपर अलग बनेगा. तो नंबर ऑफ MCQs जो हैं वो बढ़ गए हैं, मतलब ये कि रिपीट होने के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट होने के चांसेस जो हैं वो एक लेवल बढ़ गए हैं अब. देन PYQs डिस्कशन, हाँ ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. मैं हमेशा से बोलता हूँ कि GPAT जब से NTA आया है, जब से GPAT NTA करा रहा है, तो जो हमारे गेट फार्मेसी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो जरूर सॉल्व कीजिए. वो सॉल्व करेंगे तो आपको NTA के क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. देन मॉक पेपर हम लोगों ने प्रिपेयर किए हुए हैं, उन मॉक पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों से हर क्वेश्चन को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, अब टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट दो टाइम के लिए, एक तो अभी एग्जाम से पहले और एक ड्यूरिंग योर एग्जाम. आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, प्लस
अभी जो आपका बचा हुआ टाइम है टिल 22 मई, तब तक आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे ताकि आप कंप्लीट रिवीजन कर सकें, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे याद रखा जा सकता है, क्लासिफिकेशंस को कैसे याद रखा जा सकता है, प्लस हमारे जो फार्मूलाज हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर उनको कैसे याद रखा जा सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेम रिएक्शन है उनको कैसे याद रखा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस बैच के अंदर। देन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जब सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, वो सब स्ट्रेटेजी भी हम लोग बताएंगे कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे अप्लाई करना है, तुक्का नहीं मारना है, एलिमिनेट करना है, वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस बैच के लिए जो हमारे पास शेड्यूल है, वो कुछ इस तरीके से फॉलो होगा। उसमें मंडे को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास रखेंगे, देन ट्यूसडे को फार्माकोलॉजी के, ये सब एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस रहेंगी। इसमें सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व होंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के होंगे, प्लस कुछ मॉक पेपर्स होंगे। देन वेडनेसडे को हमारा पहले टाइट्रेशन क्लासेस होंगी, फिर हमारी माइक्रोबायो की और जूरिस की भी क्लास होंगी। देन बायोकेमिस्ट्री क्लासेस हमारे थर्सडे को होगी, फ्राइडे को हमारी फार्मास्यूटिक्स की होगी, फार्माकोलॉजी की फिर सैटरडे को, फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस है वो वास्ट सिलेबस है, इसलिए वीक में 2 बार क्लास होगी फार्माकोलॉजी की। संडे को जो हमारी पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट होगी, फिर क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट होगी, और जितना भी रिवीजन होगा वो सबका सब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, सबका सब एमसीक्यू बेस्ड होगा। मतलब एक ही टाइम पर आपके 2 काम हो जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, प्लस आपका रिवीजन भी होता हुआ चला जाएगा उसके साथ साथ, आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होते चले जाएंगे उसके साथ साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उस क्लासेस के अंदर। इस बैच की जो हमने फीस रखी है वो है 599। एडिशनली अगर आप मेरा प्रोमो कोड जो कि पंकज लाइव यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि अभी के टाइम पर आपका जो फुल फोकस है वो इसी बात पर है कि कैसे आप रिवीजन को अच्छे से अच्छे करके एक अच्छी रैंक लेकर आएँ, सो दैट कि आप नाइपर में एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकें, और प्लस आपका जो आईआईटी बीएचयू है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द है, इनकी जो काउंसलिंग होगी उसमें कॉन्फिडेंस के साथ जा सकें। तो अच्छी से अच्छी रैंक लानी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, रिवीजन करना है अच्छे से अच्छा, और साथ में आपके कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करना है। तो ये जो बैच है वो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करने वाला है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला है, और आपके जो तैयारी है उसको एक लेवल ऊपर लेके आने वाला है, ठीक है। लिंक जो है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर जाकर शेड्यूल देख सकते हैं, प्लस आप परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को। मिलते हैं जल्दी, क्लासेस जो हैं वो कल से ही स्टार्ट हो जाएंगी इस बैच की, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम बचा हुआ है। मिलते हैं आपसे बैच के अंदर, थैंक यू।